हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, कल जो मैं दो वीडियो अपलोड किया था, एक कैंसर की पे और एक जो है आपके कट ऑफ के बारे में, आपको कमेंट करने बोला था आपका मार्क्स। ये जो दो वीडियोस के जो कमेंट्स मैंने पढ़ा उसमें एक एवरेज निकला है ना, वो हम बताएंगे आपको। और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसा जाएगा ये बात करेंगे इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा गाइज, कोई श्योरिटी नहीं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस आंसर की से आप अपना आंसर मिला है तो इस पर आप सेटिस्फाइड नहीं होना है आपको, है ना। एक हाँ, एक्सपेक्ट हो गया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 4-5 मार्क्स का हो सकता है कि डिफरेंस हो, क्योंकि आपका जो रैंक बनेगा वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की जो होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो हो सकता है कि आज जो है 7-8 बजे तक आज आ जाए, नहीं तो फिर कल आए, परसों आए, जब भी आएगा मैं आपको वो बता दूंगा ऑफिशियल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अभी आप जितने भी चेक कर लें इससे ये कोई मैटर नहीं करता, है ना। इसमें लेकिन आपको अंदाजा लग गया है कि सिलेक्शन का कितना चांस है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब सिलेक्शन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट बनता है या वेटिंग लिस्ट का जो भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनता है। खैर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और ये कैसे हमको कट ऑफ पता चला, क्योंकि आपने कमेंट्स किया, मेजॉरिटी कमेंट्स जो मेजर कमेंट्स जो थे वो कौन से इस पे थे, और कितना स्टूडेंट्स पेयर हुए हैं बीए ऑनर्स का एग्जाम में, और सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में, तो बने रहिएगा एंड तक। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताऊं, आपके मार्क्स, कमेंट्स तो नहीं, आपके मार्क्स जो हमें पता चला अब तक, टोटल जितने भी अभी तक कमेंट्स आए हैं उसका जो एवरेज निकला है ना वो 40 है ना, 40 प्लस, मतलब समथिंग 41-42 ऐसे निकला है एवरेज, ठीक है। 40 से लेकर 42 का एवरेज निकला है। तो हालांकि मेरे पास तो जो डेटा है, सैम्पलिंग जो होता है वो डेटा 200 के लगभग है ना, 1000 होता तो ये और बढ़ सकता था, शायद घट सकता था अगर इसी तरह रहता तो, है ना। तो 200 की तरफ जो है सैम्पल्स था, इसमें से कुछ सैम्पल्स लिया गया है ना डिफरेंट का, और उसको एनालाइज किया गया तो 40 प्लस का निकला है। तो अब मैं अगर बात करूँ कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए गाइस, सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लें। तो पेपर अगर आपको पूछा जाए तो पेपर देखिए टफ था, पेपर का लेवल इजी हम नहीं कह सकते, लेकिन उतना भी टफ नहीं एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए 2020 का, तो लिटिल बिट ईजी था, है ना, थोड़ा सा ईजी था इससे इंग्लिश वाला पोर्शन, बाकी इंडो इस्लामिक कल्चर सेम है। इंडो इस्लामिक कल्चर 2020 में भी ऐसा ही टफ पूछा था, इस बार भी टफ पूछा, जीके का भी उसी तरह से पूछ दिया था, है ना, काफ़ी टफ हाई लेवल का जीके था, मैंने क्वेश्चन देखा कल, बहुत बहुत टाइम लग गया उसको समझते समझते। और इंग्लिश का भी कुछ टफ था, बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का भी गलत कर दिया था ना, इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन पैसिव फॉर्म जो उसका चूज करना था वो भी गलत कर दिया, है ना। खैर, जो भी हुआ क्वेश्चन को जो है बाद में समझा जाएगा, लेकिन कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं ना, वही बात करने भी आए हैं। तो गाइज, अब बात कर लेगा 2020 में कट ऑफ हाई चले गया था, अब क्यों गया था, क्या था वो, और वेटिंग भी बहुत क्लियर हुआ, कम क्लियर हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन मोड जो है एडमिशन हुआ था। तो आप लोग एक बार दुआ कीजिएगा कि ऑफलाइन मोड में एडमिशन हो, ऑफलाइन गाइज बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है, ऑनलाइन कम, क्योंकि सब घर बैठे हैं और कहीं पर ट्रेन में भी है, कहीं पर भी है, बाहर दूसरी दुनिया में भी है, तो वहाँ से भी वो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया अपने एडमिशन के लिए, क्या जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स उसके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है ही, अप्लाई कर दिया ऑनलाइन के लिए, देखते हैं कि आ गया तो फिर कर दिया वो, समझ रहे बात। तो दुआ कीजिएगा कि जो है आपका ऑफलाइन मोड में एडमिशन हो। ओके गाइज, तो देखिए, आप कट ऑफ अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया जाए, एक्सटर्नल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मैं मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि गर्ल्स का थोड़ा सा कम जाता, तो मैं दोनों को यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कितना बताएंगे बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल की मैं अगर कट ऑफ बताऊँ तो गाइज 45-50 जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, गारंटी नहीं कि यही जाएगा, बाद में लोग मुझे, इसलिए मुझे इस बार पहले बोलना पड़ रहा है ना, बाद में आके बताते हैं कि कहाँ हुआ कहाँ हुआ, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये जाएगा। ये कमेंट्स आज भी, आज कमेंट कीजिए अपना मार्क्स, उससे भी पता चला, आप खुद कमेंट्स को पढ़िएगा, मैं आप पे कह रहा हूँ, खुद आप लगाएंगे कि इतना जाएगा, देखिए कितना बताया, 45-50 जो है एक्सटर्नल के लिए कट ऑफ जाएगा। और ये कट ऑफ गाइज फिर से होने जा रहा है 2020 को छोड़ के, बाकी जितने ईयर्स का जैसे एग्ज़ाम किया था ना, उस तरह से फिर इस बार का कट ऑफ का उम्मीद है। जैसे हमेशा कट ऑफ जाता था 45 तक बच्चे सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाते थे, है ना, होता था कि नहीं, आपको भी पता है, 19 में हुआ, 18 में हुआ, 17 में हुआ, ऐसा भी हुआ, मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, 45-50 में बच्चे सेलेक्टेड में अच्छा अच्छा सब्जेक्ट ले रहे थे, लेकिन 20 में बहुत गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टी हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो 45-50 जो है आपका एक्सटर्नल के लिए। अब इंटरनल की अगर हम बात करें, अभी रुकिएगा थोड़ा और समझाऊंगा मैं, इंटरनल की अगर बात कर लें तो 35-40 है ना, सॉरी 35-45, इसका गैप मैंने ज़्यादा रखा है थोड़ा, है ना, 35-45 कट ऑफ जाएगा इंटरनल,
तो यहाँ समझ जाइएगा 35 में गर्ल्स का हो जाएगा और 40 to 45 में बॉयज़ का हो जाएगा। और वहाँ पे एक्सटर्नल पे मैंने जो बताया था 45 पे जो है गर्ल्स का हो जाएगा अगर वैसे कट ऑफ जा रहा है तो, और 50 में बॉयज़ का हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन गाइज एक बात समझने वाली बात यह है कि जिसका भी 40 के अराउंड स्कोर है ना, 40 प्लस हो या 40 हो या 39 हो, इन सभी का एडमिशन होने का चांसेस 90% है, 90 to 95%। जिसका भी 40 स्कोर हो रहा है, चाहे उससे कम भी क्यों ना हो एक दो मार्क्स, इन सभी कैंडिडेट्स का एडमिशन होने का 90 to 95% चांस है। भले ही वेटिंग लिस्ट से क्यों ना हो लेकिन एडमिशन होगा। अगर ऑफलाइन हुआ तो 35 मार्क्स तक के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो। और बहुत ज़्यादातर बच्चों का यही ख्वाहिश होता है कि मुझे जो है AMU मिल जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हम वहाँ से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट सोशल साइंस का होना चाहिए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, कुछ भी मिल जाए हम पढ़ लेंगे। इवन लैंग्वेज भी है ना, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तो नहीं, खैर इंग्लिश हाई लेवल हाई रैंक वाले को मिलता है। ये सारे सब्जेक्ट में से कुछ भी मिल जाए, हालांकि इस्लामिक स्टडीज़ क्यों ना मिल जाए, हम AMU से करना चाहते हैं, ठीक है, ये डिमांड होता है। तो ऐसे बच्चों का 35 मार्क्स तक भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपका ऑफलाइन एडमिशन हुआ, फिजिकल एडमिशन हुआ, तो आपका 35 to 40 वाले कैंडिडेट्स जितने हैं इनका भी चांस है, वेटिंग लिस्ट में तो आएगा ही लेकिन एडमिशन होने का चांस है। अगर ऑफलाइन हुआ तो जितने 45 कैंडिडेट्स हैं, 45 इसमें अगर वेटिंग में भी आता, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा अगर वेटिंग में आया तो। हालांकि सेलेक्टेड लिस्ट में 45 टू 50 के बच्चे जितने भी हैं उनका सेलेक्टेड लिस्ट में आने का पूरा चांस है। नहीं आया तो अगर वेटिंग में भी आया तो 200 वेटिंग में आएगा, और ऑफलाइन में 200 वेटिंग क्लियर के बराबर ही होता है। मतलब वेटिंग और क्या सेलेक्टेड वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट भी अच्छा अच्छा मिल जाता है ना। और फिजिकली एडमिशन में ये बात होता है कि आप जब एडमिशन के लिए आते हैं तो आपके सामने बोर्ड लगा होता है और वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितना सीट है और कितना फुल हो चुका है, कौन कौन सा फुल हो चुका है, किस किस में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर एडमिशन क्लोज होने के बाद आपको अगर सब्जेक्ट सही नहीं मिला तो उसके 7 डेज बाद जो है अपग्रेडेशन का ये आता है, लिस्ट आता है। बहुत सारे बच्चे कैंसिल कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर नहीं करवा पाते, जो क्या कुछ भी रीज़न हो सकता है इसके लिए, तो फिर अपग्रेड होकर फिर वो सही सब्जेक्ट मिल जाता है उनको। बहुत होता है ये, तो दुआ कीजिएगा कि ऑफलाइन एडमिशन हो आपका, रिज़ल्ट वगैरह जितना भी जो कुछ हो ये सब ऑनलाइन तो चले गया है ना, एग्ज़ाम ऑफलाइन जैसे दिए, एडमिशन भी आपका ऑफलाइन हो। और उम्मीद है कि इस बार ऑफलाइन एडमिशन होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो भीड़ देख ही लिया आपने, सब कुछ सब जगह हो रहा है और सब जगह एडमिशन भी ऑफलाइन हो रहा है सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो उम्मीद है कि AMU में भी इस बार ऑफलाइन एडमिशन हो, ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और घबराना बिल्कुल नहीं है जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको घबराना नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप 30 प्लस में है, 35 प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, आप वेट कीजिए फाइनल रिजल्ट का। ओके गाइस, यही था आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।